हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं नीलम की रेसिपी और मैं हूं नीलम। तो आज आपके साथ ये मैं कुरकुरी भिंडी की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जो बहुत टेस्टी और अच्छी रेसिपी है और ये झटपट से बन जाने वाली है। तो चलिए आज इसे देखते हैं कि कैसे इसे बनाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, फर्स्ट टाइम जो लोग मुझे देख रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये छोटी सी घंटी को हिट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, नहीं तो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना है और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, कुरकुरी भिंडी बनाने के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है भिंडी। भिंडी मैंने 250 ग्राम लिया है और इसे इस शेप में कट कर लिया है पतले पतले। इसमें मैंने यहाँ पे इसका सीड जो है वो बाहर नहीं निकाला है। अगर आपको नहीं पसंद हो तो आप इसका सीड जो है वो बाहर कर सकती हैं। तो इस शेप में सारे के सारे भिंडी के जो हैं वो इस शेप में कट कर लें। भिंडी अगर बहुत ज़्यादा लंबी है तो बीच से कट करके उसके बाद इस शेप में आपको कट कर लेना है। ये देखिए, तो इस तरह मैंने इसे पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है बेसन, ये मैंने लिया है सॉल्ट, सॉल्ट तो आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकती हैं। यहाँ मैंने लिया है जीरा पाउडर, ये मैंने लिया है चावल का आटा, चावल का आटा मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है। ये मैंने लिया है चिली फ्लैक्स, यहाँ मैंने लिया है टर्मरिक पाउडर और ये मैंने लिया है आमचूर। यहाँ पे मैंने लिया है रेड चिली पाउडर, ये आप अपने टेस्ट के अनुसार डालेंगी। तो चलिए इन सभी को मिला के हम कुरकुरी भिंडी तैयार करते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बोल लेंगे और उसमें भिंडी को हम डाल देंगे, ये देखिए। उसके बाद इसमें हम सारे मसाले ऐड कर लेंगे, ये है टर्मरिक पाउडर, ये आमचूर पाउडर और यहाँ मैंने डाला है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप नहीं भी डाल सकती हैं। और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे चिली पाउडर, बहुत थोड़ा सा डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकती हैं कम या ज़्यादा। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब तक कि हमारे मसाले पे अच्छी तरह ये हमारा भिंडी इसमें कोट ना चढ़ जाए हमारे मसाले का, तब तक इसे हम थोड़ी देर चलाते रहेंगे। ये देखिए, पानी इसमें हम बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये हम कुरकुरी भिंडी बना रहे हैं। और पानी ऐड करिएगा अगर आप तो ये सॉफ्ट सॉफ्ट सा बन जाएगा, इसलिए इसमें पानी हमें ऐड नहीं करना है। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा ये चावल का आटा ऐड करेंगे जिससे कि हमारे जो भिंडी है उसमें क्रंचीनेस आए, यानी कुरकुरी बने। उसके बाद इसमें हम डालेंगे बेसन, यहाँ पे बेसन मैं 2 स्पून लूँगी और इन्हें मिक्स कर लेंगे। इनको मिक्स करने के लिए मैं हाथों का यूज़ करूँगी क्योंकि हाथ से ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। ये देखिए, इसे जब आप 1 मिनट तक इस तरह लगातार मिलाती रहेंगी तो ये हमारे जो भिंडी है इस पर अच्छी तरह कोट चढ़ जाएगा, ये देखिए बेसन का, और ये थोड़ा सा इसमें नमी भी आ जाएगी जिस वजह से कि हमारी भिंडी जो है वो अच्छी तरह इसमें जो हमारे बेसन है भिंडी से लग जाएंगे। तो ये देखिए, ये हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कर सकती हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये हमारी भिंडी बिल्कुल तैयार है, अब इसे हम बिल्कुल डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए, अब अपने कुरकुरे भिंडी में एक जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मैं आज आपको डालूंगी जो बिल्कुल नया है वो इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा सेजवान सॉस। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा हम सेजवान सॉस ऐड करेंगे, इससे जो हमारे क्रंची भिंडी का फ्लेवर आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। इसलिए मैं जब भी बनाती हूँ इसमें ये चीज़ ज़रूर ऐड करती हूँ। अब इसको हम हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे, नहीं तो ये जो हमारा भिंडी है वो बहुत ज़्यादा इसमें नमी हो जाएगी, पानी निकल आएगा। तो इस तरह इसको हम अच्छी तरह कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे।
ये देखिए अब इसे हम बिल्कुल डीप फ्राई करेंगे। तो चलिए इसको डीप फ्राई कर लेते हैं क्योंकि तेल मैंने गर्म कर लिया है। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई ले लिया और इसमें मैंने सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल लिया है और इसे बिल्कुल हाई फ्लेम पे हीट करना है। तेल की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि जो हमारा भिंडी फ्राई है वो अच्छी तरह से क्रंची हो सके और इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पर हम डालेंगे। इस तरह भिंडी का फ्लेम हम हाई ही अभी रखेंगे क्योंकि अगर लो फ्लेम आप कर देंगे तो आपकी भिंडी जो है वो सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो जाएगी और हमें बनाना है क्रंची। तो थोड़ा सा इसे जब ये हमारा भिंडी क्रंची होने लगेगा, थोड़ा सा गोल्डन होने लगेगा, तो इसका फ्लेम थोड़ा सा मीडियम कर देंगे और इसे धीरे धीरे करके बिल्कुल गोल्डन कलर कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी भिंडी जो है बिल्कुल गोल्डन कलर की हो गई है और कितनी क्रंची क्रंची सी लग रही है। अब इसे हम गैस से बाहर कर देंगे। इस तरह बहुत ही कुरकुरी भिंडी है और इसे आप चाय के साथ खाइएगा, बहुत पसंद आएगी। ये देखिए हमें इससे ज़्यादा नहीं करना है, कितनी क्रंची क्रंची सी है ये। और बाकी सारे भिंडियों को भी हम से इसी तरह तल लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखेंगे डालते वक्त। थोड़ा सा भिंडी जब हमारा हो जाए तो ही गैस का फ्लेम हम मीडियम करेंगे, लो बिल्कुल नहीं करेंगे। और धीरे धीरे करके सारे भिंडियों को हम तल लेंगे। ये देखिए भिंडी कितनी क्रंची बनी है, आवाज साफ सुन सकते हैं कि बहुत ही क्रंची भिंडी बनी है और कितनी अच्छी कुरकुरी सी लग रही है देखने से। तो ये देखिए आपकी जो भिंडी है बिल्कुल तैयार है, क्रंची भिंडी। अब इसे हम निकाल देंगे। तो ये देखिए क्रंची भिंडी बल्कि आपकी बिल्कुल तैयार है। आप देख सकती हैं इसमें कैसे आवाज़ आ रहा है, यानी बिल्कुल क्रंची क्रंची सा है। अब इसे आप चाय पे या खाने के साथ कभी भी इसे आप खा सकते हैं, बहुत टेस्टी और कुरकुरी लगेगी ये भिंडी खाने में। और आपने देखा कि रेसिपी बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, झटपट सा बन जाने वाली रेसिपी है। तब आप सभी को मेरी रेसिपी कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इसी तरह नए यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके फिर आऊँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।